ठीक है, वो कैसे कट कर रहा है ये सब हम नहीं देख सकते भाई, बहुत एंजाइम्स है ना, वो बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं। से कैसे पता चलेगा कि कट मतलब की परफेक्ट लगाया फिर नहीं? तुमको नहीं पता करना है ना बच्चे, मतलब तुम पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पूरा एमएससी करते हैं, फिर पूरा पीएचडी करते हैं, उसके बाद और ज्यादा पढ़ते हैं, उतना एक्सपीरियंस लेते हैं, वो तुम सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के प्राप्त कर लोगी? हो सकता है क्या ऐसा? तुमको उतना पता ही नहीं करना है इसमें। जैसे मैथ में मानते हो ना, लेट लेट द नंबर इज एक्स, तो तुमको वैसे ही मानना है कि यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। मॉलिक्यूलर सीजर आया, उसने कट लगाया, मतलब एनसीईआरटी में लिखा है कि उसने कट लगाया तो लगाया, तुमको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो फिर पीएचडी वाली बुक पढ़नी पड़ेगी कि कैसे गया होगा, कैसे उसने कट लगाया होगा, कैसे देखा होगा, सोचा होगा, मतलब तुमको यहाँ पे मैथ लगाना। ठीक है, लेट, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इतनी बातें सबको समझ में आ गई थी कि एक्चुअली हमको बायोटेक में पढ़ना क्या है ना। बायोटेक में हमको जीन उठा करके दूसरे में जीन डाल देना है, एक जीन उठा करके दूसरे में जीन डाल देना है, हम यही पढ़ने वाले हैं। एंड जीन इंसर्ट करना इतना आसान नहीं होता है, हमको क्या चाहिए होते हैं? वैक्टर चाहिए होता है ना, वैक्टर चाहिए होता है। और वो वैक्टर क्या हो सकता है बच्चे? प्लास्मिड हो सकता है, वो वैक्टर कुछ और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो वैक्टर आपका हमेशा बैक्टीरिया बैक्टीरिया का प्लास्मिड ही होगा। वो वैक्टर बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरह की चीजें भी होती है। इसके अलावा अगर आपको एनिमल्स में जीन डालना है, किसी का जीन एनिमल्स में डालना है, मान लो कोई ऐसी गाय है जो बहुत अच्छा दूध देती है, उसके जीन को लेकर के दूसरी गाय में डालना है, तो हम क्या करेंगे, किसका यूज करते हैं बच्चे? हम एनिमल के लिए किसका यूज करते हैं? रेट्रोवायरस का। प्लांट में कुछ डालना है तो हम किसका यूज करते हैं? एग्रो बैक्टीरियम का यूज करते हैं। ठीक है, स्टिकी एंड सबको समझ में आ गया था, स्टिकी एंड क्लियर हो गया था सबको, है ना? स्टिकी एंड क्लियर हो गया था सबको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये सब कुछ याद हो गया था, है ना? हमने क्या पढ़ा था बच्चे? हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो तीन तरह का है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक्चुअली मतलब हमारे पास जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो तीन तरह का है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना? तो एक्सोन्यूक्लियस बाहर से कट करता है, एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करता है, कहीं से भी रैंडमली, मतलब वो कहीं से भी कट करेगा अंधाधुंध। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कहाँ से कट करेगा? स्पेसिफिक पॉइंट से कट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट से कट करता है। ओके चलो, अब बातें करना बंद कीजिएगा, पूरा ध्यान यहां लगाइएगा, तभी आज का टॉपिक समझ में आएगा। हम यहाँ संडे मनाने पार्क में नहीं आए हैं, हम यहाँ पे क्लास करने आए हैं, है ना? संडे मनाने नहीं आए बच्चे कि कोई मूवी चलेगी आप देखोगे कि कैसे एंजाइम्स कट करना है। ओके सो हमको फिर क्या चाहिए था? हमने एंजाइम का काम तो देख लिया था, अब हमको क्या चाहिए था? क्लोनिंग वैक्टर चाहिए था। ठीक है, क्लोनिंग वैक्टर चाहिए था। ये क्लोनिंग वैक्टर क्या होता है? एक तरह से गाड़ी होता है। ये क्या होता है बच्चे? एक तरह से गाड़ी होता है जो जो क्या करता है, जो क्या करता है, किसको मैम लेकर जाएगा बच्चे? ये किसको लेकर के जाएगा? जो आपकी डिजायर्ड जीन है, जो आपकी डिजायर्ड जीन है उसको लेकर के जाता है। ठीक है, डिजायर्ड जीन को लेकर के जाता है, मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन वाला जीन चाहिए उसको लेकर के ये वैक्टर जाता है। ठीक है, अच्छा ये पिछला क्लास सबको क्लियर था ना? आगे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं? मैम, मुझे ये पूछना था कि मैंने जो पिछले मैम वाला लेक्चर था बायोटेक का, उसमें ना अच्छा मेरे को रिवाइज कराना पड़ेगा। चलो मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ, अब शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए, अलीसा आपका भी। चलो ठीक है, मैं रिवाइज मैम नहीं, मुझे कुछ और बोलना था। हाँ मेरा जो लास्ट क्लास बायोटेक का हुआ था ना, उसमें नेटवर्क की वजह से मैं क्लास, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया था, तो ये वाली क्लास को मैं
मतलब समझ पाऊंगी उसकी रिकॉर्डिंग बिना देखे या फिर? नहीं नहीं नहीं, ये अभी समझ लोगे। देखो मैं फिर से समझा दे रही हूँ भाई कि बायोटेक में वो मतलब ओवरऑल आपको क्या समझना है बच्चे, पूरा का पूरा बायोटेक में आपको ओवरऑल क्या समझना है। बायोटेक्नोलॉजी में आप किसी का जीन लेंगे, किसी के अंदर एक बहुत अच्छा जीन है, ठीक है, किसी के अंदर एक बहुत अच्छा जीन है, मान लो कोई एक गाय है बहुत अच्छा दूध दे रही है, वो वाला जीन मुझे चाहिए, वो बाकी गाय में नहीं, या फिर कोई एक बंदा है इसके अंदर से मुझे इंसुलिन की जीन निकालनी, ठीक है। तो जीन को हमको निकालना है और दूसरे किसी में डालना है, ठीक है, दूसरे किसी में हमको डालना है। तो भाई ऐसे उठाया और ऐसे डाल दिया ऐसा तो नहीं होता है, उठाया और डाल दिया ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई ये होने लगेगा ना, उसके लिए एलर्जीज वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगी। जब सबसे पहले इंसुलिन, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि इंसुलिन, जब इंसुलिन की जरूरत पड़ी थी तो क्या पिग का इंसुलिन लेकर के इंसानों में डाल दिया गया है ना, पिग का, लेकिन वो उसको क्या बोले, पिगुलिन बोले, लेकिन उससे बहुत ज्यादा एलर्जी होने लगी। फिर समझ में आया कि नहीं भाई, इंसानों का ही इंसुलिन डालना होगा क्योंकि इंसान का इंसुलिन अलग होता है। तो उसके लिए इंसुलिन का क्या निकालेंगे बच्चे, जो जीन इंसुलिन बनाती है वो जीन हमको निकालना है। तो वो जीन कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहले हम वो जीन निकालने के लिए है ना, वो इस इंसान को पकड़ेंगे, इंसान का सेल निकालेंगे, सेल को कौन सा सेल निकालेंगे बच्चे, पेनक्रियास का सेल निकालेंगे। पेनक्रियास का कौन सा सेल निकालोगे बच्चे, अल्फा सेल बीटा सेल होते हैं। अल्फा सेल से आपका ग्लूकागन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन। तो बीटा सेल पकड़ेंगे, बीटा सेल में काहे के जीन है आपके, बीटा सेल में क्या है बच्चे, आपके इंसुलिन के जीन, ठीक है, निकाल लिया। उसके बाद सेल को ब्रेक करोगे तभी तो न्यूक्लियस तक पहुंचोगे और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तक पहुंचोगे, ठीक है। तो सेल को ब्रेक कर लिया, सेल को ब्रेक कैसे करेंगे बच्चे, सेल को कैसे ब्रेक करेंगे, इंसान के सेल को ब्रेक करना इजी है ना, कैसे करेंगे जल्दी बताओ कैसे ब्रेक करेंगे, प्रोटीएज डाल के। मैम प्रोटीएज, अमाइलेज और लाइपेज, अमाइलेज, ये सब डाल के। और अगर मान लो ये प्लांट की सेल होती तो क्या डालते हम, क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल है तो सेलुलेज, पहले सेलुलेज डालते, ठीक है। तो हम सेल को ब्रेक करेंगे, उसके अंदर से डीएनए निकालेंगे, ठीक है, डीएनए निकालेंगे। और डीएनए को किसमें डालेंगे बच्चे, जो डीएनए निकल गया वो डीएनए बहुत सारी गंदगी के साथ है, तो उस डीएनए पे क्या डालेंगे, ठंडी दारू। डीएनए पे क्या डालेंगे बच्चे, जो डीएनए हमारा निकला है वो बहुत सारे है ना, आपके प्रोटीन वगैरह लिपिड विपिड सब के साथ में सब है, तो हमको तो उस गंदगी में से डीएनए को अलग करना है। तो डीएनए पे क्या डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। जैसे चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो बिल्कुल डीएनए खड़ा हो जाएगा उठ के, है ना, बिल्कुल अलग हो जाएगा उन सबसे। एंड देन फिर हम उसकी स्पूलिंग कर लेंगे, निकाल लेंगे बच्चे, ठीक है, फिर हम उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कट करवाएंगे, प्यूरीफाई हो गया ना हमारा डीएनए, डीएनए को प्यूरीफाई कर लिया, अब हम इसको क्या कराएंगे बच्चे, कट कराएंगे। कट कौन करेगा, तुम करोगे कट, हम किससे कट कराएंगे बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराएंगे, ठीक है। तो एक एक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, एक बैक्टीरिया के अंदर बच्चे बहुत सारे तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, 900 टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो भाई ये हम इसको कट कराएंगे, फिर हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में दौड़ाएंगे कट करा के, फिर हम इसका पीसीआर कराएंगे ताकि उस जीन की मल्टीपल कॉपीज मिल जाए हमको। एंड देन फिर हम उसको क्या करेंगे हम उसको बच्चे किस में डाल देंगे, प्लास्मिड में डाल देंगे, जो बैक्टीरिया का प्लास्मिड है उसमें डाल देंगे, ठीक है, बैक्टीरिया का प्लास्मिड है उसमें डाल देंगे। अगर इंसान के अंदर डालना है तो हम बैक्टीरिया नहीं यूज करके क्या यूज कर रहे हैं बच्चे, क्या यूज कर रहे हैं, रेट्रोवायरस यूज कर सकते हैं, ठीक है उसमें डाल देंगे। हाँ, डायरेक्ट अगर इंसान के अंदर डालना है तो हम रेट्रोवायरस यूज करेंगे। अगर हमको डायरेक्ट इंसान के अंदर नहीं डालना है, उस बैक्टीरिया के अंदर ही डाल करके प्रोडक्ट लेना है,
तो हम बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल के उसके मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे और फिर हमको उससे उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंसुलिन का जीन आ जाएगा। इंसुलिन का जीन आ गया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारा इंसुलिन। तो बहुत सारे बैक्टीरियाज बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे और उस इंसुलिन को लेकर के हम क्या करेंगे, इंसानों में डाल देंगे। लेकिन अगर वही जीन डायरेक्ट हमको इंसानों में डालना है, वो जीन डायरेक्ट इंसानों में डालना है ताकि वो इंसान के अंदर ही प्रोटीन बना दे, वो इंसान के अंदर ही जाके एक्सप्रेस कर दे, ठीक है, एक्सप्रेस कर दे इंसान के अंदर, तो हम क्या डालेंगे, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस को यूज करेंगे, ठीक है। ओके ओके, चलो ये सारी कहानी आपको आगे भी समझ में आ जाएगी, आगे भी समझ में आ जाएगी ज्यादा डिटेल। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इससे ज्यादा मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी क्योंकि फिर मेरा इस सेशन लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलो मॉलिक्यूलर सीजर भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कैसे कट करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस दो एंड में कट करता है, साइड साइड, एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करता है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे कट करता है बच्चे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं और वो क्या करते हैं, उनका अपना एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। जैसे किसी का स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, GAATTC, जहां GAATTC देखेंगे, गा टीटी है ना, जहां भी गा टीटी देखेंगे तो वो जी के बगल से कट लगा देंगे, वो क्या करेंगे, जी के बगल से कट लगा देंगे, ठीक है। ये वाले पेज में हमने देखा था कि वो जी के बगल में क्या करेंगे बच्चे, कट लगा देंगे, है ना, जी के बगल से कट लगा देंगे। और जी के बगल से कट लगाने की वजह से ये एक सीक्वेंस हमको मिल गया और दूसरा सीक्वेंस हमको क्या मिल गया, इधर वाला ये एक सीक्वेंस मिल गया, ठीक है। तो स्टिकी एंड बन गए, स्टिकी एंड बन गए उसके डीएनए के, डीएनए के ऊपर वाला जो है उसमें ऐसा बन गया, नीचे में ऐसा बन गया। अब ये स्टिकी एंड जाके प्लास्मिड से चिपक जाएंगे, स्टिकी एंड प्लास्मिड से चिपक जाएंगे इस तरह से, ठीक है, प्लास्मिड से आराम से चिपक जाएंगे। चलो ओके, हाँ, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है, हमें डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है ताकि वो रेप्लिका बना सके। भाई एक प्लास्मिड बन गया, एक प्लास्मिड बनने के बाद कहानी खत्म हो जानी है क्या, हमको इसका रेप्लिका भी तो बनाना है, बहुत सारे रेप्लिका बनने चाहिए एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर आपके 3 प्लास्मिड से 100 प्लास्मिड तक हो सकते हैं, ठीक है। एक यस, क्योंकि उनको मजा आता है इसलिए इकोलाई यूज करते हैं, क्योंकि इकोलाई का लाइफ साइकिल बहुत फास्ट होता है, वो कुछ घंटे में मिलियंस ऑफ इकोलाई बना लेता है, तो हमको प्रोडक्ट जल्दी मिल जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट जल्दी मिल जाता है, ओके। और हमारा मान लो कभी एक और चीज है कि इकोलाई के अंदर प्लास्मिड भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। और एक बात है कि अगर मान लो कभी हमारा कोई जो कोशिश है वो फेल हो जाती है, कभी प्लास्मिड एक्सेप्ट नहीं करता है फॉरेन डीएनए को, जो आपने डीएनए अटैच करा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं कि सालों साल इंतजार करना पड़ रहा है, सालों साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ता बच्चे, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। ओके नाउ फिर हम क्या यूज करेंगे, डीएनए लिगेज जो यूज करेंगे, क्यों डीएनए लिगेज क्यों यूज करेंगे, ताकि वो जोड़ सके दोनों को, ठीक है, फॉरेन जीन को और प्लास्मिड को, दोनों को ग्लू कर सके। नाउ फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चे, फिर हमने क्या पढ़ा था, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा था। वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर क्या है बच्चे, प्लास्मिड है ना, वेक्टर क्या है, एक तरह से आपका प्लास्मिड है जो जीन को पकड़ के लेकर के जाएगा। वेक्टर को हमने इसको कैसे समझा था, वेक्टर एक गाड़ी है जिसमें दुल्हन बैठेगी, और आपकी दुल्हन कौन थी, दुल्हन कौन थी, फॉरेन जीन, जिसको हमने भाई क्या किया, तैयार किया, जिसको हमने चुना, पूरा कट किया, ठीक है, पूरा कट वट करके अच्छे से तैयार कर दिया है। अब उसको वेक्टर में बिठाने की देरी है, अब हम उसको वेक्टर में बिठाएंगे, लेकिन सारे वेक्टर फॉरेन डीएनए को नहीं बिठाते। मान लो मेरा डीएनए शैली के अंदर डालना है, ठीक है, मेरा डीएनए शैली के अंदर डालना है, तो सबसे पहले हम ना
किसको पकड़ रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, किसी रेट्रोवायरस को पकड़ रहे हैं या किसी मान लो बैक्टीरिया को ही पकड़ लिया, उसका प्लास्मिड निकाले, उसके प्लास्मिड को कट किए सेम एंजाइम से, और मेरा जो जीन चाहिए, मेरा जो जीन चाहिए उसको कट किए, मेरे जीन को डायरेक्ट प्लास्मिड में नहीं बिठा देंगे, मेरे जीन को पहले तैयार किया जाएगा, सजाया सवारा जाएगा, है ना, उसको निकाला जाएगा, उसको ठंडी दारू पिलाई जाएगी, फिर वो निकलेगी, फिर उसके बाद भाई उसकी कटिंग वटिंग होगी, अच्छे से स्लाइसिंग होगी, तब जा करके वो, तब जा करके वो प्लास्मिड उसको बिठाएगा। समझ गए, इतना आसान नहीं होता है, इतनी बात समझ गए, है ना, तब जा करके वो उसमें बैठता है। तो यहाँ पे आपके पास एक प्लास्मिड है PBR322, ये एक आर्टिफिशियल प्लास्मिड है, ये एक आर्टिफिशियल प्लास्मिड है जो किसने बनाया था, पी फॉर प्लास्मिड, बी फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिक, पी फॉर प्लास्मिड, बी फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिक ने बनाया था। 322 इज स्ट्रेन, 322 इज स्ट्रेन, मतलब इतना नंबर का प्लास्मिड है, इन्होंने बहुत सारे प्लास्मिड बनाए थे, बहुत सारे प्लास्मिड बना बना के रखे थे। तो बॉलीवर रॉड्रिक का ये जो प्लास्मिड है ये 322 नंबर का प्लास्मिड है, ठीक है, ये स्ट्रेन होगा। तो अब ये देखो, ये प्लास्मिड है बच्चे, ये प्लास्मिड है, तो प्लास्मिड क्या है, प्लास्मिड इज अ वेक्टर, प्लास्मिड इज अ वेक्टर, एक गाड़ी है जिसमें आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे, जिसमें आप क्या डालोगे, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे, ठीक है। जैसे मच्छर थी ना, मच्छर ने क्या किया था भाई, प्लास्मोडियम डायरेक्ट आपके शरीर में नहीं जा पाया था, तो मच्छर ने चुना, है ना, मच्छर ने प्लास्मोडियम को पकड़ा, फिर आपके शरीर में जाकर के डाला, समझ गए ना, तो बहुत ही मुश्किल काम था। तो वैसे ही वेक्टर क्या है, वेक्टर चुनेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, उसके अंदर जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो प्लास्मिड में जो वेक्टर है उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्या खूबी होनी चाहिए, उसमें ओराई होना चाहिए, रेप्लिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो ये आपका जो प्लास्मिड है, ठीक है, ये प्लास्मिड है भाई, कहीं से तो रेप्लिकेशन इसकी स्टार्ट होगी ना, अब ये एक ही में आपने जीन डाल दिया, बस वो एक ही वो सेल मर गया, बस अब कहानी खत्म, ऐसा नहीं चाहते हो ना, ऐसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि इसकी बहुत सारी रेप्लिका बने, आप चाहते हो इसकी बहुत सारी रेप्लिका बने, ठीक है, बहुत सारी इसकी क्या चाहते हो बच्चे, रेप्लिका बन जाए, है ना, उसी के अंदर बहुत सारी कॉपी बन जाए, तो एक सेल के अंदर 100 कॉपीज तक बन जाती है, एक सेल के अंदर 100 कॉपीज तक बन जाती है, ठीक है। आज स्क्रीन स्टक हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है, मेरा मुंह ज्यादा स्टक हो रहा है, ठीक है, ओके। तो भाई कहीं से तो ये स्टार्ट करेगा ना, कहीं से तो, और रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और रेप्लिकेशन कौन करता है बच्चे, रेप्लिकेशन काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है जाके, भाई वो कहीं से तो बैठेगा ना, देखेगा कहीं से तो स्टार्ट होना चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट थोड़ी कर देगा, है ना। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ओके। एक वेक्टर मतलब जो गाड़ी दुल्हन को लेने जा रही है ना, जो गाड़ी उस दुल्हन को लेने जा रही है, उसमें क्या होना चाहिए भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कोई गेट तो होना चाहिए ना, दुल्हन घुसेगी कहाँ से, दुल्हन निकलेगी कहाँ से, गेट तो होना चाहिए कोई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर मतलब उसमें भाई कुछ तो हिंट होना चाहिए कि उस गाड़ी में लड़की बैठ चुकी है, उस गाड़ी में हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट बैठ चुकी है, उस गाड़ी में हमारी दुल्हन बैठ चुकी है, जो तैयार हुई है ना, जिसने अभी चिल्ड इथेनॉल पिया है, एकदम ड्रेसिंग कराई है अपनी, वो बैठ चुकी है, तो ये कैसे पता लगेगा, वहां क्या होने चाहिए बच्चे, सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं बच्चे, आपके एंटीबायोटिक के जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं इन प्लास्मिड के पास, समझ गए, इन प्लास्मिड के पास क्या है,
सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जैसे एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट, अगर आप इनमें एम्पीसिलिन डालोगे, ठीक है, एम्पीसिलिन डालोगे तो क्या कोई असर नहीं होगा, ढीठ हैं हम तो, है? अगर आप इन पे टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो कोई एंटीबायोटिक्स, क्या एंटीबायोटिक जैसे आप डालोगे इन पे, हाँ एंटीबायोटिक्स आप इन पे डालोगे तो इन पे कोई असर नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हो तो कोई असर नहीं हो रहा है, कैनामाइसिन डाल रहे हो तो कोई असर नहीं हो रहा है, एजिथ्रोमाइसिन डाल रहे हो तो कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो भाई कुछ भी डाल रहे हो तो इन पे कोई असर नहीं होगा, ऐसे वाले जो वैक्टर है नहीं मरेंगे, ठीक है, ऐसे वाले वैक्टर नहीं मरेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले में मेरा जीन गया है, ये वाले में मेरा जीन गया, कैसे होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है बच्चे, ई कोलाई में, किसमें प्रेजेंट होगा इस तरह का सेलेक्टेबल मार्कर, ई कोलाई में, तो ऐसे अलग अलग जो आपका वैक्टर होगा, अलग अलग वैक्टर होगा उसमें अलग अलग तरह के सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, उतना आपको नहीं पढ़ना, जितना एनसीईआरटी बोल रही उतना पढ़ो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो फिर है क्लोनिंग साइट, उसमें और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, एक अच्छे वेक्टर की खास पहचान ये है कि उसके पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, है ना, एक बोलते हैं ना एक अच्छे लड़के की खास बात ये है कि वो कमाता धमाता होना चाहिए, तो एक अच्छे जो वेक्टर है उसकी खास बात ये है कि उसके पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, The vector requires recognition site for commonly used restriction enzyme in order to link the alien DNA. ठीक है, cloning site उसके जगह उसके पास होनी चाहिए। भाई देखो आपका ये है प्लास्मिड, नहीं दिखा ना, अभी नजर लगा दिया तुम लोगों ने, मैम बहुत अच्छा चल रहा है आज तो, हाँ नजर लगा दिया तुम लोगों ने, देखो ये वैक्टर है, ये वैक्टर है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में जो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको यहाँ पे काटा, वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको भी काटेगा, ठीक है, इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा बच्चों, और इसको भी कट करेगा, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो आपकी कोडिंग यहाँ पे है वही कोडिंग इसकी यहाँ पे, मान लो जी ए ए टी टी सी यहाँ पे है तो जी ए ए टी टी सी यहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो इस तरह से कट करेगा, वो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों के लिए सेम होगा ना, दोनों के लिए सेम होगा, और हर हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, एक ही साइट होनी चाहिए, हजारों क्लोनिंग साइट नहीं होनी चाहिए, मान लो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसकी क्लोनिंग साइट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और आके इसको बिल्कुल काट के, काट पीट के प्लास्मिड को रख देगा, काट पीट के इस वेक्टर को रख देगा, तो फिर ये तो आपके किसी काम का नहीं होना, किसी काम का नहीं होना, ये सिर्फ एक ही साइट पे बच्चे, सिर्फ एक ही साइट पे इसका क्या होगा, सिर्फ एक ही जगह पे इसका क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर इतनी बात, इसका क्लोनिंग साइट वहां पे होना चाहिए जहां पे आप जीन ऑफ इंसर्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सको, एक क्लोनिंग साइट होना चाहिए जहां पे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सको और फिर वो आगे क्लोन बन सके। क्या बात चल रही है अनम, क्यों बातें चल रही है, हाँ क्या बात चल रही है, पढ़ाई कर लो बच्चे, पढ़ाई कर लो, ये चैप्टर जितना इजी समझ रहे उतना इजी है नहीं, और नहीं तो मैं आऊंगी ऐसे पढ़ा के चल जाऊंगी कि भाई देखो क्लोनिंग साइट है, ऐसा होता है, वेक्टर है, ऐसा होता है, फिर खत्म कहानी, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल सिर के पार से चला जाएगा, फिर 1050 वीडियो देखोगे वहां से भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, कहीं से समझ नहीं आएगा, फिर मैं बता दे रही हूँ, मैं बैठ कर सकती हूँ, तो ये मजे में पढ़ रहे हो तो मजे में इसको अच्छे मजे में भी सीरियस होकर के पढ़ लो, हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को, इतनी बात समझ में आई, इसके पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए जहां पे आप अपना एलियन डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप डाल सको,
ठीक है, वहां पे वो आप डाल सको। ठीक है, अ रिकॉग्निशन साइट लोकेटेड इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड टू लिगेट फॉरेन डीएनए। ये आपका देखो आरओपी लिखा है ना, ठीक है। चलो नाउ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल के लिए हमको क्या क्या वेक्टर की जरूरत पड़ती है? क्या हमेशा हम इकोलाई का ही यूज करेंगे? क्या हम हमेशा इसी का यूज करेंगे? नहीं। अगर एनिमल में हमको डालना है तो हम क्या यूज करेंगे? रेट्रोवायरस। ठीक है, प्लांट में अगर डालना है तो हम एग्रोबैक्टीरियम का यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम का यूज करेंगे। चलो कैसे, देखो देखो बच्चे, ये प्लांट है, ओके, ये इसकी लीफ है, ठीक है, ये है आपका बैक्टीरिया, ओके, ये है आपका बैक्टीरिया, ठीक। ये बैक्टीरिया बच्चे, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया आकर के प्लांट में क्या करता है बच्चे, बहुत ज्यादा ट्यूमर कॉज करता है। क्या कॉज करता है? ट्यूमर कॉज करता है, ठीक, प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है ये बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम क्यूमीफेज, ये काम करता है। तो इंसान ने देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, इसमें ट्यूमर कॉज कर रहा है। ये कैसे कॉज कर रहा है बच्चे, ये कैसे कॉज कर रहा है? इस बैक्टीरिया का जो सेल है, इसमें क्या है? प्लास्मिड। इसमें क्या है बच्चे? प्लास्मिड, ठीक है, इसमें क्या है भाई? प्लास्मिड है। तो ये अपनी प्लास्मिड को इसके सेल के अंदर डाल देता है, इसके सेल के अंदर डाल देता है, और इसका प्लास्मिड, ठीक है, इसका प्लास्मिड फिर जा करके इसके डीएनए से अपने आप इसका प्लास्मिड कट होता है, और इसका प्लास्मिड इसके डीएनए के साथ, जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ जाता है, और ऐसे करके बहुत सारे रेप्लिका प्रोड्यूस होते हैं, और इस प्लांट को हो जाता है ट्यूमर, ठीक है, मल्टीपल ग्रोथ करने लगता है एक जगह पे, और क्या हो जाता है? ट्यूमर, और ऐसे करके ये प्लांट बर्बाद हो जाता है, मर जाता है ये प्लांट, ठीक है। लेकिन इंसान है बड़ा लालची, ठीक है, इंसान ने बोला अच्छा, ओ हमें मिल गया हमारे काम का चीज। इंसान ने यहां भी दिमाग लगा लिया, ठीक है, यस, ओके। इंसान ने क्या किया कि बोला कि भाई तुम गंदे बच्चे हो, तुम गंदा काम करते हो, लेकिन तुम्हारे इस गंदे काम को हम अच्छे काम में लगाएंगे, तुम्हारे अंदर जो दिमाग में जो गंदगी भरी है उस गंदगी को हम अच्छे काम में लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई बच्चा दिन भर क्या करता है? बदमाशियां कर रहा है ना, दिन भर उसको पसंद है कि मैं मिट्टी से खेलूं, दिन भर पसंद है मिट्टी से खेल। तो भाई ऐसे बच्चे को ले जाओ गार्डन में, उसको दे दो, है ना, दे दो फावड़ा, करो तुम मिट्टी से खेलो। तो भाई उसके जो बुरे काम है उसको मारने के जगह उसको दे दो उसका जी भर के काम, जितना करना है करो, है ना। तो ऐसे में भाई हम अच्छा काम करवा लिए उससे, बच्चा भी खुश, मेरा काम भी हो गया, हाँ? करो जितना करना है। विदेशों में क्या होता है, जब बच्चे झूला झूलने जाते हैं तो बच्चे जो मैरी गो राउंड से झूला झूलते हैं ना, उसकी एनर्जी यूज करके वो क्या करते हैं? पानी डलवाते हैं प्लांट, उसकी एनर्जी से पानी डलता है पूरे प्लांट में। तो बच्चे जितना झूला झूलेंगे उतना प्लांट में पानी डलेगा, समझ गए? तो भाई बच्चों की एनर्जी को हम ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान ने क्या किया, इंसान को भगवान मिल गया, इंसान ने मिला वाह 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 बहुत अच्छा, तुम अब मेरा सारा काम करोगे, देखो कैसे। इंसान ने इसको पकड़ा, ठीक है, इंसान ने इसको पकड़ लिया, इस एग्रो बैक्टीरियम को पकड़ा, और इसके प्लास्मिड को निकाल लिया। निकालो भाई इसका प्लास्मिड, इंसान ने इसके प्लास्मिड को निकाला, एंड इसके प्लास्मिड में
पूरा का पूरा प्लासमिड तो करप्ट नहीं था ना, जहां से ये ट्यूमर कॉज कर रहा था उतने पार्ट को कट कर दिया, उतने पार्ट को कट कर दिया और उस पार्ट में कुछ अच्छा डाल दिया, उतने पार्ट में कुछ अच्छा डाल दिया, ठीक है, उतने पार्ट में कुछ अच्छा डाल दिया। अब भाई हाँ, इसकी आदत क्या है, इसकी आदत है डिवाइड करने की, इसके प्लास्मिड का क्या है कि जल्दी 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 ये ट्यूमर टाइप का बनाएगा, रेप्लिका करेगा। तो भाई मैंने कुछ अच्छा डाल दिया तो कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, अब इसके अंदर कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनेगा ना, हाँ कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। चलो खराब काम से हम क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। पहले क्या बन रहा था बच्चे, ट्यूमर बन रहा था, अब क्या बन रहा है, अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अच्छा जीन डाल दिया, हमने क्या किया है, अच्छा जीन डाल दिया, समझ गए, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आई कि भाई कोई बंदा है, कोई बंदा है वो दिन भर उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, हाँ नोट गिनना पसंद है, हाँ घर के पैसे निकाल निकाल के नोट गिन रहा है, हर जगह जहां जा रहा है नोट गिन रहा है। हमने उसको बैंक में बिठा दिया, भाई समाज का भी भला हो रहा है ना, अच्छा काम कर रहा, लो भाई नोट गिनो, जितने नोट गिनो दिन रात सुबह शाम नोट गिनो, समझ गए, ओके, क्लियर 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 हो गई बात इतनी, यस मैम, यस मैम। ऐसे बच्चे हम यूज करते हैं इनको, ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं। ऐसे ही जो हमारा रेट्रो वायरस होता है ना, रेट्रो वायरस क्या करता है बच्चे, रेट्रो वायरस क्या करता है, हाँ रेट्रो गाने गाता है, ह्यूमन बीइंग्स में कैंसर कॉज करता है, है ना भाई। और आपका HIV, ये सभी क्या है, आपके रेट्रो वायरस टाइप के हो गए, है ना, रेट्रो वायरस। और आपका वायरल भी जो रिलेटेड है, सर्दी खांसी इस टाइप के, है ना। तो भाई जो रेट्रो वायरस है इसका क्या काम होता है बच्चे, हमने देखा था, हमने देखा था कि रेट्रो वायरस के पास क्या था बच्चे, रेट्रो वायरस के पास क्या था, DNA था कि RNA था, याद करो, भूली बिसरी याद है मैम, डबल RNA था ना, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड RNA, RNA RNA, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और इसके पास क्या था बच्चे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये हमारे सेल के अंदर ये डाल देता है, है ना, ये हमारे सेल में अपने इसको डाल देता है, किसको डाल देता है, sRNA को डाल देता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डाल दिया, ठीक है, इसने डाल दिया, किसको डाला, sRNA को डाला और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डाला, ठीक है। और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट था बच्चे, हमारा DNA प्रेजेंट, ठीक है, हमारा DNA प्रेजेंट था। स्टक हो गई, यस मैम, चलो अब दिख गया, अब दिख गया। अब इससे क्या होता था, इससे क्या होता था, ये डबल इसमें बदल जाता था, डबल स्टैंड में बदल जाता था, डबल स्टैंड में बदल जाने के बाद बच्चे ये हमारे DNA के अंदर घुस जाता है, है ना, हमारे DNA के अंदर घुस जाता है, बहुत सारी रेप्लिका बनती है और ये बीमार करता। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमको, हम इसको प्यार से पकड़ेंगे, रेट्रोवायरस को, भाई तुम आओ, स्वागत है। और इसका रेट्रोवायरस का भी, रेट्रोवायरस का भी जो भाई खराब पार्ट है, खराब पार्ट है जो जीन का, उसको कट कर देंगे, ठीक है, उसको कट कर देंगे बच्चे। और हम जो अच्छा, अच्छा काम जो भी हम कराना चाहते हैं, जो अच्छी चीज, जो अच्छा जीन डालना चाहते हैं, मान लो मेरे अंदर कोई जीन है, वो अच्छा जीन है, वो जीन दूसरे में डालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, रेट्रोवायरस, मेरा जीन निकाल के रेट्रोवायरस में डालेंगे और फिर रेट्रोवायरस को उस पर्सन में डालेंगे, समझ गए, मेरा जीन निकाल के रेट्रोवायरस में डालेंगे, रेट्रोवायरस को उस पर्सन में डालेंगे, इतनी बात क्लियर हो गई। तो भाई इंसान जो है ना, इंसान मैल भी नहीं छोड़ता, इंसान मैल भी नहीं छोड़ता रिसाइकलिंग के लिए, तो भाई ये वायरस और बैक्टीरिया तो क्या बात है, इंसान मैल से वायरस सब डालते होंगे, रेट्रोवायरस, तो वो रेट्रोवायरस जो इंसान के बॉडी में डाल रहे हैं, उसे
कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसके जितने खराब जीन है उसको हम कट कर देते हैं, जितने भी डिजीज कॉजिंग जीन है उसको कट करके हम उस जगह पे अपना लगा देते हैं, समझ गए? तो ये कुछ भी कॉज नहीं करता है। और आप बोलोगे उसको जब कट करते होंगे तो क्या मतलब हाथ से पकड़ पकड़ के कट कर रहे हो क्या भाई? उसमें मॉलिक्यूलर कुछ आप डाल रहे हो ना, मॉलिक्यूलर एंजाइम्स डाल रहे हो, हाथ से थोड़ी पकड़ के कट कर रहे हो, उतना तो बहुत छोटे होते हैं ना, समझ गए? चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये सब बातें समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट में डालेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। और इसके प्लास्मिड को क्या बोलते हैं बच्चे? टीआई प्लास्मिड, टीआई प्लास्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। इसका प्लास्मिड क्या करता था? ट्यूमर कॉज करता था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड, ठीक है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लास्मिड इतने समय से पढ़ा रही हूँ, प्लास्मिड सबको पता है ना, प्लास्मिड क्या होता है बच्चे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट होता है जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है ना, बैक्टीरिया वगैरह में प्रेजेंट होता है। और जो प्लास्मिड का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये प्लास्मिड का डायग्राम लेबल करने आता है। तो बच्चे आपको ट्वेल्थ में ये प्लास्मिड बनाने भी आ सकता है, PBR-322 आपको ट्वेल्थ में बनाने भी आ सकता है, तो आपको ये बनाने भी आना चाहिए, समझ गए? ये आपको बनाने भी आना चाहिए, ओके? ओके मैम। इस साइड आपका एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट होगा, इस तरफ टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट है, इधर बम्सल है, इधर पीवीयू है, इधर कोराई ओरिजिन। पूरा नाम लिखना होगा या फिर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में? मतलब ये जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, सेम। तो आपको क्या आएगा? आपको इसका लेबलिंग आता है और ट्वेल्थ में आपको इसको बनाने आ सकता है कि पूरा बनाइए PBR-322, पूरा बनाइए, ठीक है? तो आपको पूरा बनाने आना चाहिए। बुक देखो, देखो इस तरह के छोटे मोटे डायग्राम है ना, कैसे सीखते हैं? क लिखने कैसे सीखा था बच्चे? उसके ऊपर बार बार चलाए थे ना, है ना? यस मैम। बार बार चलाए थे तो क लिखने सीख गए थे, गोल गोल अंडा, पुलिस का डंडा, कुत्ता का पूंछ, आदमी का पूंछ। तो वैसे ही बच्चे सर्कल बनाओ, हैं? सर्कल बनाओ स्लेट में, ये सब लिख लो, उसके ऊपर बार बार चलाओ सर्कल, फिर इधर ये, इधर ये। पांचवी बार में अपने आप आपके हाथ को याद हो जाता है, ठीक है? आपके दिमाग को तो छोड़ो, आपके हाथ को याद हो जाता है, तो अपने आपके हाथ को याद हो जाएगा बच्चे। डायग्राम ना आपके मतलब सेंसरी स्किल से मोटर स्किल में भी चला जाता, मतलब आपके हाथ को भी याद हो जाता है सब कुछ, आंख बंद करके बिल्कुल ऐसे बना लोगे, है ना? समझ गए? यस मैम, यस मैम। चलो अब क्या है, अब क्या है भाई, अब क्या है? हाँ, एक और खास बात, जब ये है मेरा प्लास्मिड, ये है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है बच्चे? ये है मेरा प्लास्मिड, ऐसा होगा मेरा प्लास्मिड, ठीक है। अब ये प्लास्मिड इसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना? ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर जो डिजायर्ड जीन है, सबको ये बात समझ में आ रही है ना? जीन ऑफ इंटरेस्ट मैं किसको बोल रही हूँ? डिजायर्ड जीन, जो जीन आप डालना चाहते हो, ठीक है? तो इसीलिए ऐसे समझो, एक इंसान का एग्जाम्पल लेके समझो, मेरा जीन आप डालना चाहते हो किसी में, ठीक है? आप चाहते हो कि मेरी क्लोन बन जाए, आप चाहते हो कि मेरी क्लोन बन जाए, तो मेरा जीन आप किसी में डालना चाहते हो, तो आपने मेरा जीन निकाल लिया एनी हाउ, ठीक है? एनी हाउ मेरा जीन निकाल लिया, जीन मेरा तैयार है बिल्कुल, एंड मेरे जीन को अब आप किसमें डाल रहे हो? किसमें डाल रहे हो भाई? प्लास्मिड में डाल रहे हो, ठीक है? किसमें डाल रहे हो? प्लास्मिड में डाल रहे हो। तो ये प्लास्मिड भाई फॉरेन है ना, इसके लिए तो ये जीन क्या है? फॉरेन है, तो ये एक्सेप्ट कर भी सकता है और ये एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है,
तो दो केस होंगे, ठीक है। पहले केस में हम क्या मानते हैं, पहले केस में हम क्या मानते हैं कि इसने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें हम क्या मान रहे हैं बच्चे, कि इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे स्टिकी एंड से ये जुड़ गए, नहीं दिख रहा है, आ जाओ घर। क्यों बच्चों ने बोला बस, हाँ ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे प्लासमिड को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट, हाँ रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे कि नहीं, रिकॉम्बिनेंट फैक्टर बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट प्लासमिड बोलोगे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बोलोगे ऐसे प्लास्मिड को। अब मान लो दूसरा केस क्या है, बहुत प्यार से धीरे धीरे समझो, है ना, मेरे को 0.5 की स्पीड पे सो, ये वाला चीज। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे, ये प्लास्मिड है, इसका ये स्टिकी एंड था, ठीक है, प्लास्मिड का ये स्टिकी एंड था, इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोला हट, है ना, चल हट, है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या होगा, स्टिकी एंड कुछ देर में, चूंकि ये स्टिकी एंड है, ये कुछ देर में अपने आप जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे ना, यस मैम, ठीक है, जो ब्लू ब्लू वाला है दोनों, वो जुड़ जाएंगे, हाँ, ये अब स्टिकी एंड आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है, मैंने तो जोड़ दिया, ये जोड़ नहीं रहा, मैंने तो कब का जोड़ दिया, मेरी स्क्रीन इसको बोल रही है रुको बच्चे को और धीरे पढ़ाओ, ठीक है, ये बच्चे जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया। तो ऐसे प्लास्मिड को क्या बोलोगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलोगे, यस मैम, यस मैम, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलोगे, नॉन रिकॉम्बी नेंट बोलोगे, मैं तो लिख रही हूँ वो आप लोग को दिख जाएगा, कुछ ज्यादा ही स्टक करने लगा अचानक से, नहीं आप लोगों ने बोला बस, मतलब इसमें मिर्च, हाँ मिर्च फुकवाना पड़ेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आप बोलोगे, ठीक है। अब बच्चे ये वाला जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर चला जाएगा, ये वाला जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लास्मिड जिस सेल के अंदर चला जाएगा, भाई अभी तो आपने ये बनाया है, ठीक है, अभी तो आपने ये बनाया है, वो किस सेल के अंदर गया, ठीक है, सेल के अंदर भी तो जाना बड़ी बात है ना, सेल के अंदर भी एक्सेप्ट होना बड़ी बात है, सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस सेल के अंदर चला गया तो उस सेल को क्या बोलेंगे बच्चे, ट्रांस फॉर्मेंट, ये वाला सेल क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट सेल हो जाएगा, ठीक है, जो हमारी हमारी जो लड़की थी, ठीक है, लड़की जो थी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारी लड़की थी वो भाई कहाँ चली गई, अब घर, जिस घर में चली जाएगी तो वो घर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट। और जहां नहीं जाएगी, जहां नहीं जाएगी वहां कुछ भी नहीं होगा, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये जो भी बच्चे, जो ये वर्डिंग है, ये सब आपको याद रहेगा, ये आपको याद होने चाहिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे इसको, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, समझ गए कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसको बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेंट किसको बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट किसको बोल रहे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट किसको बोल रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकॉम्बिनेशन, तो भाई जिसमें कुछ नया कॉम्बिनेशन आया तो रिकॉम्बिनेशन, नया कुछ जीन जुड़ा, जिसमें नहीं जुड़ा है ना वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, ओके। और वो सेल जो रिकॉम्बिनेंट सेल जिसके अंदर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जिसके अंदर गया, वो ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा, वो सेल ही पूरा बदल जाएगा भाई, अब उसकी कहानी ही बदल जाएगी, ठीक है। मेरा जीन इस प्लास्मिड में तुमने डाल दिया और दूसरे बंदे के सेल में डाल दिया, तो वो बिल्कुल बदल जाएगा ना, कल से वो मेरे जैसी हरकतें करेगा, yes, ma'am. हाँ?
कल से वो मेरे जैसी हरकतें करे कल से एक जीन से भी फर्क आ जाता है, मतलब अगर हम किसी का एक जीन भी डालेंगे तो उससे बिल्कुल चेंज आ जाएगा। हाँ चेंज आएगा ना भाई, अब वो मेरे जैसी हरकतें करेगा। हाँ जो 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 जीन आपने मेरा लिया होगा, जो जीन मेरा कट किया होगा, वो वाली हरकतें उसमें भी देखने को मिलेंगी, तो मेरे जैसी हरकतें करेगा वो। हाँ अब ऐसा थोड़ी होगा कि उसका भी स्क्रीन स्टक करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये प्रॉब्लम तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये पता नहीं मेरे मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को मिला है बच्चे, ये गूगल मीट की तरफ से अवार्ड है, कुछ चुनिंदा टीचर्स को मिला है और उसमें मेरा भी नाम है, सो आई फील वेरी प्राउड, ये उसमें मैं भी हूँ। मतलब वही है कि प्रॉब्लम को देखने का दो नजरिया होता है, पहले प्रॉब्लम को पूरा मतलब देख लो भाई अच्छे से कि हाँ क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, सॉल्यूशन निकल गया तो बेहतरीन, नहीं निकला तो उसको खुशी से एक्सेप्ट करो, इतने मजे से कि बिल्कुल लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना। कल जैसे जो आए थे ना क्लास में बच्चे क्लास करने के लिए दूसरे बैच के, उनको मैंने बताया कि देखो धीरे धीरे इससे दिमाग हैंग नहीं होगा तुम्हारा, धीरे धीरे आराम से पढ़ोगे, आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे, आराम से करोगे, तो फिर इसको पॉजिटिव वे में ले लिया। हाँ कि आराम से हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, ये चीज आप सीख सकते हो, है ना, सीखने वाली बात है लाइफ में। चलो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि भाई हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा आ गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है हम क्रिएट कर चुके हैं। व्हेन टू और मोर डीएनए सेगमेंट फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर जॉइंड टुगेदर, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज अ कैरियर सच एज प्लास्मिड, फेज हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया, हमने पढ़ा ना बैक्टेरियोफेज हो सकता है, वो कोई प्लास्मिड हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, वो एक वायरस हो सकता है, ठीक है, इनटू विच अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन इंसर्टेड टू अलाउ इट टू बी क्लोन इन अ सुटेबल होस्ट। ओके तो हमने भाई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया है, प्लास्मिड के अंदर डाल दिया है। ओके अब हम आगे देखते हैं, नाउ स्टेप्स टू फॉलो आर डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत अच्छे से नहीं दिया है, हम इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हमने आइसोलेशन किया, ध्यान से सुनो जो पढ़ा है वही चीज कर रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल आइसोलेशन कर लिया, कटिंग ऑफ डीएनए कर लिया एट स्पेसिफिक लोकेशन कर लिया, ठीक है। अब जो कटिंग किया था हम उसकी क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन, थोड़ा सा आपने उल्टा पढ़ा है, थोड़ा सा उल्टा पढ़ा, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है, क्यों, पहले आपको किरदारों को समझाया है कि वेक्टर क्या है, एंजाइम क्या है, प्लास्मिड क्या है, ठीक है, और आपका किस किस तरह का वेक्टर होता है, कैसे आप जीन को कट करते हैं, ये सारी चीजें बता दी। अब आपको क्या बता रहा है कि भाई इस टेक्नोलॉजी को करना कैसे, तो इस टेक्नोलॉजी को करना कैसे ये मैंने पहले ही बता दिया था, उसी को अब हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, रिवाइज करेंगे, सबसे पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल, जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया, आइसोलेट कैसे किया ये भी लंबा चौड़ा प्रोसेस था, सेल को क्या किया, सेल वॉल को तोड़ा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा, न्यूक्लियस को तोड़ा, न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए निकाला, डीएनए को साफ किया, हमारे पास स्पेसिफिक क्या मिल गया, डीएनए मिल गया, उसके बाद हमने उसको कट करवाया स्पेसिफिक लोकेशन पे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक जीन आया है उसको हम क्या करेंगे बच्चे, उसका एम्पलीफिकेशन करेंगे, एम्पलीफिकेशन मतलब बहुत सारी उसकी कॉपी बना लेंगे बाय यूजिंग पीसीआर, पीसीआर, ठीक है, हम पीसीआर भी कर सकते हैं, या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कभी कभी जैसे इंसुलिन के केस में होता है, हम इसको क्या करते हैं बच्चे,
हम इसको डाल देते हैं प्लास्मिड के अंदर, और प्लास्मिड में बैक्टीरिया के अंदर इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि पीसीआर इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। पीसीआर में जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो कॉपी बनना होता है ना, मतलब उसकी क्वालिटी धीरे धीरे खत्म होती जाती है, लेकिन आपको उसमें जो बन रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हो रहा है ना, जो क्लोनिंग हो रही है, वो एकदम एक्यूरेट होती है। ठीक है, वो एकदम एक्यूरेट होती है। तो पीसीआर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे पता करना है ये आपको बताया गया है, ये हम अभी देखेंगे, रुक जाओ। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस बाद में दिया है, पीसीआर बाद में दिया है, चलो ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बाद में दिया है तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना जानो कि पीसीआर हमने किया। ठीक है, पीसीआर करके बहुत सारी कॉपीज हम ला सकते हैं। देखो यहाँ आपसे बोल रहा है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हमको हमने नाम तो पढ़ लिया कि किसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, किसको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, लेकिन भाई हम पता कैसे करेंगे कि किस सेल में, हाँ किस सेल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लास्मिड गया है और किसमें नहीं गया, कौन सा सेल हमारा रिकॉम्बिनेंट बन गया है, ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है, कौन सा सेल ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। कोई सेल में ऐसा बत्ती तो थोड़ी जलने लगेगी कि सेल में बत्ती जल रही है, हाँ कि सेल आपने उस सेल को डाला तो सेल में बत्ती जल रही है, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना वहां पे, वो इतने मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है बच्चे कि नहीं दिखेगा। हाँ, उसका इम्पैक्ट आपको जब आप उस प्लांट में डाल देंगे, जैसे बच्चे फायरफ्लाई का क्या होता है कि फायरफ्लाई के जीन को लेकर के मान लो आपके अंदर डाल दिया, ठीक है, फायरफ्लाई का जो चमकने वाला जो जीन है ना, वो निकाला, उसको निकालने के बाद सोच रहे हैं सब इंसान में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि भाई लाइट की बड़ी दिक्कत हो रही है, लाइट हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो सब इंसानों में ही डाल देंगे कि इंसान रात में अपने आप चमके, ठीक है ना, ऐसा कर देंगे, सारे इंसान अपने आप चमकेंगे, लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है दिल्ली में, है ना। तो फायरफ्लाई का जीन लिया, फायरफ्लाई का जीन लेने के बाद हमने उतना पार्ट कट किया, उसके बाद हमने प्लास्मिड लिया, प्लास्मिड में डाला, ठीक है, फिर उसको हमने बैक्टीरिया में डाला। अब भाई कौन सा बैक्टीरिया में कौन से, मैंने आपको क्या बताया कि हर प्लास्मिड एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर प्लास्मिड उस जो फायरफ्लाई के जीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक ने एक्सेप्ट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो भाई वो एक्सेप्ट किया हुआ जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है वो कौन सा है, ये भी तो पता चलना चाहिए, तभी तो आपके अंदर डालेगा। पता चला आपके अंदर मतलब सेल उठा के डाल दिया, आप चमक ही नहीं रहे हो, हाँ आप चमक ही नहीं रहे हो, हाँ, और वो पता करने में कब चलेगा, जब वो सेल डिवाइड होंगे आपके अंदर आगे चल के, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो भाई यही हमको पता करना है, हमको एक्यूरेट यही पे पता करना है कि ये सेल ट्रांसफॉर्मेंट हुआ ही के लिए, क्या हमको इससे इंसुलिन मिलेगा, क्या हमको इससे फायरफ्लाई वाला जीन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, समझ गए? तो ये पता करना है ना आपको। ये पता कैसे करते हैं? कैसे पता होता बच्चे? आपके सेलेक्टेबल मार्कर से पता चलता है। कैसे होगा? देखो कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक। हमने क्या किया, पीबीआर 322 वेक्टर लिया है, मान लो हमने पीबीआर 322 वेक्टर लिया है, ये आर्टिफिशियली बना हुआ है, आराम से हम इसमें इसके थ्रू किसी का भी जीन जो है लेकर के डाल सकते हैं दूसरे में, ठीक है। तो पीबीआर 322 लिया है, और इस पीबीआर 322 में दो तरह का रेजिस्टेंट है बच्चे, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है और एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस है, ठीक है, एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस है। तो मैं ब्लैंक स्लाइड में आपको बता देती हूँ, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड दिख रही है क्या? नो मैम, नहीं दिख रही है, चलो
अब दिख गई? यस मैम। ठीक है यस। ओके, ये वेक्टर है बच्चे जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। नहीं हो रहा है, मैं ब्लैंक स्लाइड में। हाँ ठीक है, ये वेक्टर है हमारा जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है। अब देखो इसको, हाँ ये मान लो इस वाले सेल में गया है, ये फर्स्ट वाले सेल में गया है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले सेल में गया है, ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल है आपका, जो आपका फर्स्ट वाला सेल है इज द ट्रांसफॉर्मेंट सेल, इज द ट्रांसफॉर्मेंट सेल। और ये जो फर्स्ट वाले सेल में जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो डाला था, ठीक है, मान लो मेरा ही जीन है जो आपने डाला था, ये कहाँ पे डाला था, कहाँ पे डाला था बच्चे वेक्टर में? ये मान लो आपने डाला था कहाँ पे, जहां पे एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट था। ठीक है, यहीं पे क्या था बच्चे, एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे PV1 है, PVU1, यहाँ पे कौन है आपका, PVU1 है, इससे पहले यहाँ पे PVU1 है, यहाँ पे PST1 है। ओके, PVU1 एंड देन फिर PST1 और बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट, बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने डाल दिया। लेकिन यहाँ पे था क्या पहले, यहाँ पे क्या था, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन था। तो भाई एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन को आपने कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो अब ये क्या एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंट हो पाएगा? नो मैम, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो आपको ये बात पता है कि आपने एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जहां पे था वहीं पे कट लगा के, सेलेक्टेबल मार्कर पे कट लगा के आपने ये इसको इंसर्ट कर दिया। तो आपको ये पता है कि अगर ये अगर मेरे पास जो सेल ट्रांसफॉर्मेंट होगा, जो आपका वेक्टर ट्रांसफॉर्मेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, उसमें क्या खास बात होनी चाहिए, वो एम्पीसिलिन से मर जाएगा। वो एम्पीसिलिन से क्या हो जाएगा बच्चे, मर जाएगा। एम्पीसिलिन में अगर हम उसको ग्रो करेंगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट वाला है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है बच्चे। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है और ये वेक्टर क्या है, अब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट नहीं रह चुका, अब इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वहीं पे जो दूसरा सेल है आपका, सॉरी प्लास्मिड है, इसमें कुछ भी नहीं आया, इसमें क्या आया, इसमें कुछ भी नहीं आया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं आया, लेकिन इसके पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। आपने PBR22 में क्या देखा, 322 में क्या देखा, कि इसके पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन होती है और इस तरफ किसकी जीन होती है बच्चे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है। दो तरफ जीन होती है, एक तरफ टेट्रासाइक्लिन की होती है, दूसरी तरफ एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंट जीन होती है। ठीक है, हाँ, इसके पास टेट्रासाइक्लिन की भी प्रेजेंट होगी, एम्पीसिलिन की सिर्फ मरी है, इसके पास सिर्फ एम्पीसिलिन की मरी। ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास है, इसके पास भाई, इसके पास कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, ये खाली डब्बा, इसके पास कोई रेजिस्टेंट नहीं। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास प्लास्मिड है उसके पास कोई रेजिस्टेंट नहीं। तो देखो पहले वाले में हमको पता है कि जो भी होगा वो क्या होगा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट होगा। तो भाई हम इसमें डायरेक्ट से एम्पीसिलिन इसी में डाल देंगे तो क्या होगा, ये तो मर गया, जो हमको चाहिए था वो तो मर गया एक बार में ना, एक बार में मर गया, तो हमको जो चाहिए था हमने उसमें
मतलब हमको पता है कि वो तेजाब से जल जाएगा, तो हम उसमें तेजाब डाल दिए और उसको खत्म कर दिए, खत्म, इतना मेहनत खत्म, है ना। ओके बाय बाय। तो हम ये नहीं करेंगे, हम पहले इसको क्या करेंगे बच्चे, इसकी इसके ऊपर एक मुस्लिन क्लॉथ डालेंगे, ठीक है, एक एगार प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, एगार प्लेट पे इनको ग्रो कराते बच्चे, और मुस्लिन क्लॉथ लेते हैं, मुस्लिन क्लॉथ रख करके, ठीक है, इनको ग्रो कराते हैं, और वहां पे हम एम्पिसिलिन डालते हैं, ठीक है। ये मुस्लिन क्लॉथ है, मुस्लिन क्लॉथ ले लेंगे, एंड हम क्या डाल रहे हैं इस पे, एम्पिसिलिन डाल रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, एम्पिसिलिन डाल देंगे, एम्पिसिलिन डाल देंगे इसमें, ठीक है। एम्पिसिलिन जब हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, एम्पिसिलिन डालने से क्या होगा कि जो हमारा वाला जो सेल होगा वो ग्रो नहीं करेगा, जो हमारा वाला सेल होगा वो ग्रो नहीं करेगा, और जो सेकेंड नंबर वाला है वो ग्रो कर जाएगा, वो आराम से ग्रो कर जाएगा, समझ गए। तो इससे हमको पता चल जाएगा, इससे हमको पता चल जाएगा बच्चे कि हमारा वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला सेल है वो कौन है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला सेल है वो कौन है। मान लो हमने एम्पिसिलिन डाल दिया, ठीक है, अब हमको पता चल गया कि हमारा वाला सेल जो है, सेल की कॉलोनी हमने इधर बनाई थी, ये एम्पिसिलिन से मर चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा, ये हमारा सी सेल है, ठीक है, ये हमारा नंबर वन है, ये हमारा नंबर टू है, नंबर थ्री सेल। तो नंबर वन और नंबर थ्री में कंफ्यूजन हो गया कि भाई हमारा वाला कौन सा है, क्योंकि मर तो दोनों गए, इसके पास भी कोई रेजिस्टेंट नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, टेट्रासिक्लिन डालेंगे, टेट्रासिलिन जब डालेंगे तो नंबर थ्री वाले में तो टेट्रासिलिन का भी रेजिस्टेंट नहीं था, लेकिन हमारे वाले में टेट्रासिलिन का रेजिस्टेंट था, तो टेट्रासिलिन में हमारा वाला जो जीन है, जो वेक्टर है, वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, जो सेल है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब मैं सम अप कर रही हूं कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा, अब आपके सामने डायग्राम है, इजीली समझ में आएगा, सुनो क्या किया हमने। हमारे पास भाई वेक्टर आ गया, ठीक है, वेक्टर आ गया हमारे पास, जो वेक्टर आ गया, अब हमने उसको क्या किया, हमने क्या किया, वेक्टर को हम सेल में भी डाल सकते हैं, ठीक है, हमने क्या किया बच्चे, उसको लेकर के वेक्टर में हमारे पास टेट्रासिक्लिन का रेजिस्टेंट है और हमारे पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट, जहां पे एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट है वहीं पे हमने कट किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब हमको पता चल गया कि हमारा जो वेक्टर होगा वो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट नहीं होगा, लेकिन टेट्रासिलिन का रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे तरह के, मतलब ये है प्लास्मिड है, कुछ रिकॉम्बिनेंट हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कल्चर प्लेट लिया, उनको रख दिया अलग अलग जगह, ऐसे वेल्स टाइप के बना के रख दिया, ठीक है, तीन तरह के सेल को लेकर के रख दिया। एक में हमने क्या डाला, तीनों में हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट डाला, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला हमारा है वो मर जाएगा, तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो हमको समझ में आ गया कि अच्छा ये ग्रो नहीं कर रहा, ये हमारा हो सकता है, लेकिन देख रहे हैं तीसरा भी ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल नंगा है, उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास ना तो कोई रेजिस्टेंट नहीं है, बेकार है। और एक जो हमारे पास है वो एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन दोनों का रेजिस्टेंट है, तो वो ग्रो कर रहा है, तो हम उसको हटा दिए, ठीक है, हम उसको हटा दिए कि भाई तुम तो कहानी में हो ही नहीं, क्योंकि हमारा वाला जो होगा वो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, समझ गए। उसके बाद हमने टेट्रासिलिन डाला, तो हमारा वाला जो क्या था, उसके पास टेट्रासिलिन के रेजिस्टेंट जीन थे, वो मार्कर था, वो उसमें ग्रो कर रहा है, तो मतलब हमको पता चल गया ये हमारा एक्यूरेट प्लास्मिड है, हम फिर उसको ग्रो कराएंगे, मल्टीपल उसके क्लोन बनाएंगे, समझ गए। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि कौन मेरा है, कौन पराया है। सिंपल सी बात है बच्चे कि मान लो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना, किस बच्चे ने मिठाई खाई है, किस बच्चे ने मिठाई नहीं खाई है, ये आपको पता करना है ना, किस बच्चे ने मिठाई खाई है, किस बच्चे ने मिठाई नहीं खाई है, हा? तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, हाँ, आप उनका
मुंह स्माइल करोगे, है ना, या आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे उनके उनके जो लार है उनका टेस्ट करोगे भाई, सुगर का टेस्ट करोगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में टेस्ट डाल के करोगे। तो वैसे ही हमारे पास भाई तीन तरह के सेल हैं, हमको चेक करना है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसमें गया। तो भाई सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, जैसे सुगर टेस्ट करना है कि किसने मिठाई खाई है, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सुगर नो पापा, लेकिन जॉनी ने मिठाई खाई है कैसे पता चलेगा, अभी तुरंत उसका लार निकालो और उसमें बेनेडिक्ट टेस्ट लगा दो, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट लगा दोगे सुगर टेस्ट। हाँ तो भाई हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर इसने खाई है तो इसके पास क्या होगा, बेनेडिक्ट टेस्ट आ जाएगा, है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट अभी इसका एकदम पक्के से आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने वही किया कि भाई अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा तो एम्पिसिलिन में मर जाएगा, ठीक है, मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट में, सॉरी जीन ऑफ इंटरेस्ट बात करो, अगर मेरा जो सेल होगा ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगा उसमें एम्पिसिलिन डालेंगे तो वो क्या होगा, मर जाएगा, क्योंकि एम्पिसिलिन काट के तो मैंने क्या डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गई इतनी बात, दिमाग में घुसी, दिमाग में घुस गई सबके पास, समझ गए। जितने बच्चों ने आज की क्लास नहीं की है, क्या मैं बोलूं, मेरा भी समय बर्बाद करेंगे वो, अपना भी समय बर्बाद करेंगे, है ना। मैं कल ये लेक्चर डाल दूंगी, वो सभी बच्चे देख लेंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि भाई सभी बच्चे देख लेना, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझ रहे हो ना कि कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे आज का लेक्चर। Yes, ma'am. आगे फिर कुछ समझ नहीं आना है आपको, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर दिन मैं एक चीज को रिपीट नहीं कर सकती बच्चे हर दिन। ओके ओके ओके, चलो तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं हैं तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं तो मेरा तो मन था बहुत कुछ पढ़ाने का, तो नेक्स्ट क्लास में हम PCR इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों आने के लिए, जरूरी था हमारा क्लास करना। अब समझ में आया, मजा आया ना क्लास में, थोड़ा बच्चे मतलब क्लास अपने आप मजेदार होती है ना, तो मजेदार क्लास में सीरियस होके बैठो और हंसो, है ना, मजे भी दो। बाय बच्चों, बाय, मजा आ गया ना, हार्ड लग रहा था, अब ये हार्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि भाई रिलेट करके पढ़ो ना आसपास की चीजों से, तो बिल्कुल आपको हार्ड नहीं लगेगा। ओके ओके, वेलकम वेलकम वेलकम, बाय मैम, बाय 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 बच्चों, वेलकम विभा, हाँ इसके रिकॉर्डिंग देखना फिर से।